शिवनी विधायक दिनेश राय मुर्मू द्वारा विधानसभा क्षेत्र के आसपास ग्रामों का दौरा कर ग्रामीण जनों को कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक किया। विधायक दिनेश राय मुर्मू ने आज वैक्सीनेशन जागरूकता के अंतर्गत शिवनी विधानसभा क्षेत्र के आने वाले आसपास के ग्रामीण क्षेत्र परासिया, भाजीपानी, कलारबाकी, जोगीवाड़ा, जेबनारा, सिंघोड़ी, लाखनटोला के साथ शहरी क्षेत्र छिंदवाड़ा चौक, मंगलीपेट, बुधवारी बस स्टैंड, दलसागर, कचहरी चौक, पाल पेट्रोल पंप और बाहुबली चौक शिवनी जैसी जगहों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी देकर कोविड 19 टीकाकरण कराने की अपील की गई। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। क्योंकि ये महामारी अब अगर फिर से आएगी तो हमारे बच्चों के जीवन के लिए खतरा साबित न हो, वैज्ञानिक कहते हैं तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है, डॉक्टर कहते हैं बच्चों के लिए खतरनाक है, तो मैं शिवनी का विधायक होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाइए, टीका जरूर लगवाइए। आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप अपने परिवार की, अपने बच्चों की सुरक्षा कर पाएंगे। इस बार जिन्होंने टीका लगवाया 99% लोग सुरक्षित और जीवित रहे हैं, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया उनमें से अधिकांश हम लोगों ने देखा है कि मौत के मुंह में समा गए हैं। जैसे हम पहले वैक्सीन कराते थे, पोलियो की दवाई पीते थे, वैसे ही हमारी ये टीकाकरण है। इसलिए मैं सबसे आग्रह है कि आप सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित रहें, इसी में आप सबकी जीवन की सुरक्षा है। मैं शिवनी का विधायक दिनेश राय मुर्मू आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तीसरी लहर हमारे बच्चों की तरफ ना बढ़े, वैज्ञानिक कहते हैं बच्चों के लिए खतरा है, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए हम सबको भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। हम स्वस्थ रहेंगे तब हम अपने परिवार, अपने बच्चों की सुरक्षा कर पाएंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ टीकाकरण जरूर कराएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं, निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर लगवाएं, आपको पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। 18 साल से लेके सभी व्यक्ति वैक्सीन लगवाएं। एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, भीड़ ना बनाएं, मास्क लगाएं, फालतू ना घूमें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।